सर्प यानी नाग जाति मानव जाति की रक्षा करने वाले देवता हैं। मानव तथा जीव जंतुओं का भार उठाने वाली भूमि का बोझ उठाने वाले भी नाग ही हैं। सर्व देवताओं के पूज्य शिव के अलंकार भी नाग ही हैं। अमृत के सृष्टि का कारण भी नाग ही हैं। वर्तमान युग में मानव जाति के प्राणों की रक्षा हेतु उपयोग में आने वाला वेश नाग जाति की ही देन है। इस मुख्य बात को हम भूल रहे हैं, वरन मानव जाति के लिए घातक मान उनकी अवहेलना कर रहे हैं और देखते ही बर्बरता पूर्वक उनकी हत्या कर रहे हैं। इस पाप के कारण कुछ लोग संतान के लिए तो कुछ लोग असहाय रोगों से पीड़ित हो तो कुछ दाम्पत्य जीवन की अभिलाषा में शारीरिक वो मानसिक वेदनाएं झेल रहे हैं। उनके उद्धार हेतु इस कलियुग में नाग देवी ने अवतार लिया है। सच्चे मन से इस नाग देवी की पूजा करने वालों की मनोकामनाएं पूर्ण ही नहीं होती, वरन नाग दोष एवं नाग श्राप से मुक्ति पाकर अपने मानव जीवन को सार्थक बना रहे हैं। करुणामयी नागेश्वरी केवल अपने सच्चे भक्तों के सामने ही प्रकट होती है। कब तक बांधोगी पेड़ से? अपने घर बच्चों का झूला कब बांधोगी? अरे छोड़ो भी, वो इस लायक होती तो पेड़ की पूजा क्यों करती बोलो। पांच औरत बच्चे पैदा करेगी ये किसने बोला? फिर तो पूजा पाठ करने पर पापियों को भी पुत्र लाभ होगा। ये क्या बोल रही आप? तुझे कुछ नहीं मालूम तू बांध। सुबह सुबह पांच औरत को देखो तो खुद को भी जीवन भर बच्चों के लिए तरसना होगा। चलो चलो। अपने बाल बच्चों सहित सुखी पूर्वक रहना चाहती है। लोग मुझको पांच कहते हैं, पापिन कहते हैं, मेरे मुंह को देखना तक बुरा समझते हैं। तुम मुझ पर करुणा करोगी, बच्चों से मेरी गोद भरोगी, इसी आशा में जी रही हूँ। तुम करुणा करके संतान प्रदान करो। यमा मुझे अपने पास बुला लो। लोगों की बातों पर पगली कहती चिंता मत करो, मनुष्य को कर्म फल भोगना ही पड़ेगा, विधाता का लिखा मिटा नहीं सकते। अच्छा दिखाओ अपना हाथ। देखो बेटी, तुम नाग दोष के कारण मां नहीं बन पा रही हो। ये दोष तुम्हें अपने पति के कारण मिला है। इसकी मुक्ति के लिए नाग आराधना का व्रत करना होगा। नाग आराधना व्रत? हाँ। ये व्रत कैसे करती है माँ? कार्तिक मास के नागपंचमी के दिन उपवास रहकर ये व्रत करना होगा, तब नाग दोष से तुम मुक्त हो जाओगी। ठीक है माँ। Thank you.
प्रसाद लो। सुनो, गंदे हाथों से प्रसाद कैसे लूं मैं? कैसे? मैं बताती हूँ कैसे। तुम बताओगी? ऐसे। रोज रोज बच्चे बनते जा रहे हो। अच्छा, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, सच बोलोगे? क्या है? तुम्हें नाग दोष है, ऐसा किसी ने बोला? नाग दोष और मुझे? नॉनसेंस। ऐसा नहीं है, तुमने अज्ञानवश बचपन में किसी नाग को मारा। स्टॉप इट सुशीला। अच्छा, ये सब तुमसे किसने बोला? हम किसी शताब्दी में हैं? ये सब फालतू बात है सुशीला। नहीं जी, आज नाग मंदिर में एक औरत ने बताया कि नाग दोष होने के कारण ही हमें बच्चे नहीं हो रहे हैं। ओह सिल्ली, सुशी, बच्चों का ना होना नाग दोष से क्या संबंध है? इस युग के लोग ऐसी बातों पर भरोसा करते हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। कुछ लाभ नहीं मिलता इन सब बातों से। अच्छा ये बताओ, ये बात तुमसे किसने कही? एक औरत ने, उसने बताया कि नाग आराधना व्रत से मैं दोष मुक्त होकर संतान प्राप्त करूंगी, ये क्योंकि वो गायब हो गई। क्या बोले, गायब हो गई? अरे रे, ये क्या कर रहे हो तुम? देख रहा हूँ तुम्हारे कहने सही सलामत है या नहीं। सब ठीक है, तुम्हें तो हमेशा मजाक सोचता है। तुमसे कह के मैंने बहुत बड़ी गलती की। ए सुशी, कहाँ जा रही हो? फिर क्या करूँ? प्रसाद खिलाओ ना। अभी तो खिलाया ना। ये प्रसाद नहीं, ये प्रसाद। रहने दो और ऑफिस जाओ। ऑफिस जाना होगा? मन नहीं है तो मेरे साथ खाना पकाओ। पकाओ, इससे अच्छा होगा कि मैं ऑफिस जाऊं। हां सुशी, क्या है? बाय बाय। सोलह तारीख को 12,000, उसके बाद 20,000, उसके बाद 15,000, यानी उधर ने एक महीने में 47,000 लिया। हाँ सर जी। इतने रुपये किस पे खर्च किया? अजी, उदय बाबू बदल चुके हैं। दारू, ताड़ी, जुआ, रेस और फिर मधुमती के चक्कर में अपने को बर्बाद कर चुके हैं। मधुमती, ये कौन है? है एक सुंदर लड़की, उदय बाबू उकरी मोहनी सूरत पर मोहित हो चुके हैं। हाँ बाबू जी। अच्छा अच्छा, आप जाइए। अज्ञानवश बचपन में किसी नाग को मारा। क्षमा कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला था सुशीला। क्या कह रही हो? हाँ सुशीला, बहुत पहले मेरे चाचा को एक सांप ने डस लिया था, जिसे वो वहीं मर गए। बुड्ढे दादा दादी को रोते बिलखते देखकर मैंने उस सांप की बामी को पेट्रोल से जला दिया था। राज, ये क्या किया तुमने?
क्रोधवश तुम्हारा किया हुआ वो पाप आज श्राप बनकर हमारे जीवन को दुख में बना दिया। सुनो मेरी बात मानो, अगले महीने हम नाग देवी का व्रत करके अपने को श्राप मुक्त कर लेंगे। सुशीला तुम नाग माँ की भक्ति न हो, इसलिए आज तक किसी सर्प ने मुझे रसा नहीं और तुम सदा सुहागिन बनी रही। मैं मूर्ख तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दिया सुशीला, मैं अपने किए पापों को प्रायश्चित करूंगा। कम से कम तुमने अपनी भूल मान ली, मुझे बहुत खुशी हुई। हम नागव्रत करेंगे। नागपंचमी का उत्सव गाओ नाचे है सारा, पूरे भर हो मन के अंदर प्रसन्नता, कई जन्मों का पुण्य फल तुमको मिल जाएगा, कई जन्मों का पुण्य फल तुमको मिल जाएगा। नाचे मन मेरा पूज्य फल मिल जाएगा भाग्य मेरा। देवी माँ जय नागेश्वरी, देवी माँ जय नागेश्वरी, देवी माँ जय नागेश्वरी, देवी माँ जय नागेश्वरी। छोड़कर
ससुराल आने के बाद माँ बाप का भी प्यार देने वाला पति पाना भाग्य नहीं है। एक चीज मांग दोगी मुझे? मांगो। मुझे तुम्हारी तरह एक लड़की चाहिए, इस अप्रैल की तरह। ए ए, तुम जैसी लड़की का तो फफक कर रो रही हो तुम। रो नहीं तो क्या करूं? हमारी शादी को 5 साल हो गए, नाग माता की अभी तक दया नहीं हुई। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पा रही हूँ, इसी बात का दुख है। तुम्हारे मन को तकलीफ दे क्षमा करो, तुम्हारी पूजा बेकार ना होगी, नाग माता की दया से हमें जरूर संतान सुख मिलेगा। सुशीला, सुशीला माँ, बहुत जल्द तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। कृष्ण के चरण चिन्ह गले पर लिए वह जन्म लेगी, लेकिन वो लड़की नागदोष के कारण युवती होने तक कई कष्ट झेलेगी, तदुपरांत तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगी। राज, नाग माता की दया से तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। सुशी, सुशी, क्या हो गया? भैया क्या है? गोपाल जी को आपने मुझे पैसे देने के लिए मना किया। हाँ क्यों? तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ, ये किसने बोला? कोई क्यों बोलेगा, तुम्हारे खर्चे बोल रहे हैं। अपना हिस्सा यार दोस्तों पे लुटाकर फुटपाथ पर आ गए थे तुम। संतानहीन होने के कारण तुम्हें अपना बेटा समझा था मैंने, ये जानते हुए कि तुम्हारी आदत है कितनी बुरी है। तुम खुद अपनी बुरी आदतों को छोड़ दोगे ये सोचकर तुम्हारे खर्च को अब तक सता रहा, अब सहा नहीं जाएगा मुझसे। आप जरूर कोई बात छुपा रहे हैं। तुमसे क्या छुपाऊंगा, तुम्हारी भाभी मां बनने वाली है और क्या। हाँ? क्या चाहिए उदय बाबू? आज बहुत ही भयानक गर्मी है, कुछ ठंडा पिलाओ ना। मालकिन को दूध देकर आती हूँ बाबू। पहले मुझे पिलाओ, ऑफिस जाना है। अच्छा बाबू। मालकिन क्या? दूध लीजिए। पे रख दो ये क्या मालकिन, अब तो आपको ख्याल रखना होगा, मेरी बात मान के पी जाइए। कहाँ ना वहाँ रख दो, मालकिन नहीं पियेंगी। अफो, बहुत तंग करती हो तुम। हाय, महेश बाबू का फोटो बहुत सुंदर है ना? क्यों, ब्याह करोगी उससे? मेरे भाग में ये तो नहीं लिखा है। कोई आया है, जाकर दरवाजा खोलो। हाँ, साम, साम, मालकिन, साम, मालकिन, साम, मालकिन, मालकिन, साम।
श्याम। माँ, नागमाता, ये मामूली सांप नहीं है, ये हमारी नागमाता है। मैं गर्भवती हूँ ना, मुझे देखने आई है। आशीर्वाद दीजिए माँ। ये लो, तुम्हें फोटो चाहिए थी ना? साथ में रुपए भी लाया हूँ। काला नाग, देखो काल को इसका काटा पानी भी नहीं मांगता। एक घंटे में तुम्हारी भाभी के मरने की खबर तुम्हें मिल जाएगी। काला नाग, तुमने देखा? अब देर क्यों? जाओ जाओ। नागिन की शक्ति के सामने मेरी शक्ति काम नहीं आई। तेरा काला नाग उस नागिन की क्रोधाग्नि में भस्म हो गया बाबू। अब तुम भैरव की शरण में जाओ। ये भैरव कौन है? पता तो हूँ बाबू, इधर पास तो आओ। नागमाता, मुझ पे करुणा की माँ।
प्रचंड कालिय नमः, जय मरगट कालिय नमः। जय मरगट काली प्रसन्न हो जा, जय प्रचंड काली प्रसन्न हो जा। जय शक्तिशालिनी यक्ष ने कुंड धारिणी महाशक्तिशालिनी हो नमः। रोपने नरसंहारिणी प्रसन्न हो जा, अति भयंकर रोपिणी नमः, शक्तिशालिनी नमः, महिषासुरमर्दिनी नमः। जय मरगट काले प्रचंड काले नमः, जय शक्तिशालिनी यक्षिणी नमः। ओम मरगट काले नमः, जय प्रचंड काली नमः गौरा। भैरव प्रज्ञा अघोरा, अभी जाकर उस राजशेखर और उसकी पत्नी सुशीला की हत्या करो, यही मेरी आज्ञा है। जाओ। जाओ। मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। बेकार में मत सोचो, जाओ। मेरी बात मानिए, मेरे साथ आइए। सोचने का वक्त नहीं है, सुशीला भाग जाओ यहाँ से। तुम्हें मेरी जाओ, जाओ, जाओ। शूलिनी नमः, जय प्रचंड काली। क्या बात है?
हमारे घर में भोज करने वाले कई सांप हैं। जैसा आपने बोला था वैसा भाई की जायदाद पाने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। हाँ जी, सब कुछ होते हुए भी हमारे भाग्य में सुख नहीं। हमारी जायदाद हमें मिले ऐसा उपाय बताइए। तुम लोगों का अनुमान सही है कि वो लड़की मरी नहीं, अब तक जीवित है। अब जायदाद पाने के लिए उस लड़की को तुम्हें अपने घर में लाना होगा, तभी उन सांपों की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और जायदाद भी तुम्हें मिलेगी। हाँ अच्छा, अपनी भतीजी के लिए सारे पेपरों में इश्तेहार देके शहर का कोना कोना छान मारूंगा। उदय, इश्तेहार पढ़कर काफी लोग आ जाएंगे, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि असली लड़की कौन है। ध्यान से सुनो, जो बच्ची घर के कोने कोने से सांपों को भक्ति पूर्वक निकाल कर भगाएगी वही तुम्हारे भाई की बेटी होगी। पहले जाकर से खोजो, जल्दी जाओ। आज्ञा दीजिए बाबू जी। जय काले। दुर्गा माँ। चल बेटी। कहाँ माँ? तुम्हारे अपनों के पास। दुर्गा तुम अनाथ नहीं हो बेटी, तुम एक करोड़पति की बेटी हो। बचपन में ही तुम्हारे माता पिता मारे गए, तब से तुम मेरे पास हो। झूठ, सब झूठ, तुम ही मेरी माँ हो। ये बात सच है, लेकिन करोड़ों की संपत्ति होते हुए भी तुम अनाथ बन के जियो ये मुझे पसंद नहीं, इसीलिए तुम्हें अपने घर पहुँचाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती माँ। ऐसा मत कहो, तुम्हें अपना घर जाना ही पड़ेगा। हाँ बेटी, उनके साथ रहना होगा, बाद में विवाह करके बच्चों के साथ जीवन का सुख भोगना पड़ेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, मेरी अच्छी बेटी है ना। देखो बेटी, ये घर और ये संपत्ति तुम्हारी है, इसे हड़पने के लिए भेड़िये बैठे हैं। इसे पाने के लिए तुम्हारे माता पिता को निर्दयता से मारा था। हाय। उदय, सारे पेपरों में इश्तेहार दिया लेकिन अभी कोई नहीं आया। यही मैं सोच रहा हूँ मामा। सुनिए, कौन हो तुम? पेपर में देखा था, आपकी भतीजी को आपको सौंपने आई हूँ। चुप रहो मैडम, पेपर में इश्तेहार पढ़कर सोलह सिंगार कराकर किसी लड़की को ले आई तो हम विश्वास कर लें। मैडम, इस घर की वारिस बनाने के लिए इस भिखारी को लाई हो? दफा हो जाओ, यहाँ पर तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। रुको। अच्छा मैडम, मगर मेरी एक शर्त है, अगर ये लड़की मेरी भतीजी है तो मेरे घर से सारे सांपों को भगा दे, तभी विश्वास करूंगा। दुर्गा बेटी जाओ। अच्छा माँ, सांप कहाँ है? बेडरूम में है। मैडम, बेडरूम वाला सांप मामूली सांप नहीं है, कोई पुकारता है तो कोई डंक मारता है। अच्छा, आइए। दीनों के पालक दिशा दिखाओ।
कृपालक दिशे दिखाओ करुणा करो मानागेश्वरी, करुणा करो मानागेश्वरी, लालन करो मां पालन करो करुणा करो मानागेश्वरी, करुणा करो मानागेश्वरी, लालन करो मां पालन करो करुणा करो मानागेश्वरी, करुणा करो मानागेश्वरी। अरे आओ सब शाम चले गए, सब सलामत है, सारे घर में थे। अबे काम पर तो कमरे में चलते हैं हम। चल चल नाग महोदय, नाग महोदय नहीं है। हाँ देखो देखो सब ठीक है, चला गया। तुम सच मेरी भतीजी। अब मुझे आज्ञा दीजिए माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। माँ मैं कहाँ जाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कई बेसहारे लोग मेरी प्रतीक्षा करते होंगे, अगर तुम्हें यहाँ कोई कष्ट हो तो मुझे बुला लेना, ठीक है? आपके पास जो चाबी है दीजिए। दीजिए। दुर्गा ये संपत्ति तुम्हारी है, किसी भी हाल में हार मत मानना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम लोगों ने दुर्गा को सताया तो याद रखना, नहीं तो फिर से सांप आ जाएंगे। तुम्हें प्यार से पालेंगे। हाँ दुर्गा, हम प्राणों से बढ़कर इसे प्यार करेंगे, आप जाइए। दुर्गा मैं चलती हूँ बेटी। मेरी जायदाद। अरे अरे उदय, वो मजे से सो रही है वहाँ, जाओ जल्दी जाके चाबी लेके आओ, जाओ। ठीक है जाओ। वहाँ तो माया हो गई है। क्या हुआ? चाबियाँ सांप बन गई। सांप? यानी दुर्गा को पहुँचाने वाली वो नाग माता थी? नाग माता, नाग माता, ये उदय सोच रहे तो सब कुछ अस्त हो जाएगा। अरे जो कुछ करना जल्दी करो ना, अब मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना। क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या कर रही हो तुम, मुझे कुछ बोलने तो दो ना। चलो चलो। अरे सांप। शंकर स्वामी के, 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 शंकर स्वामी के। जय जयकार, मेरी न कीजिए। स्वामी अप्रत्यक्ष उस भगवान से बढ़कर प्रत्यक्ष दिखने वाले आप ही भगवान स्वरूप हैं। हाँ स्वामी, बिना कहे माँ भी भोजन नहीं देती, ऐसी दुनिया में बिना पूछे दुख में सबकी सहायता करने, हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाले आप ही हैं स्वामी जी। बोलो शंकर स्वामी की जय। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम लोग केवल मानव मात्र हैं, क्षण भंगुर जीवन पर उस परमेश्वर का अधिकार है।
हम सब मिलकर उस परमेश्वर शिव का ध्यान करें। हर हर शंकर जय जय शंकर, हर शंकर जय जय शंकर, शंभो शंकर शुभकर शंकर, शंकर शुभकर शंकर, अष्टव शंकर भव भय हर हर, अष्टव शंकर भव भय हर हर, शंभो शंकर शुभकर शंकर, शंभो शंकर शुभकर शंकर, हर हर शंकर जय जय शंकर। रुकिए, बोलो भाई क्या कर रहे हो? अच्छा, बोलो। हर हर शंकर शंभो शंकर, हर हर शंकर शंभो शंकर, हर हर शंकर 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 शंभो शंकर, अष्टव शंकर भव भय हर हर, अष्टव शंकर भव भय हर हर, हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर जय जय शंकर, शंभो शंकर शुभकर। ये कैसा दुर्भाग्य है, ये कैसा दुर्भाग्य है, परम पावन ये शिवालय कूड़ों से भरा पड़ा है। भूता है खंड हर समान, नित्य पूजा नहीं होती क्या? भक्त लोग नहीं आते क्या? स्वामी, प्रलयकारी त्रिनेत्री पर जनता को विश्वास नहीं, इतना निरादर क्यों? इसका कारण है लोगों का नास्तिक होना। नहीं स्वामी, उस नाग माता की महिमा है। नाग माता, ये कौन है? कष्टों से घिरे लोगों के नाग माता के समक्ष विनती करने पर उनके सारे कष्ट तुरंत दूर हो जाते हैं। बांबी की परिक्रमा करने से लोगों की इच्छा पूर्ण होती है। निसंतानों को संतान का योग देती है, ब्याह जिनका नहीं होता उनका ब्याह करवा देती है। डायन भी उनका नाम सुनते ही शिवंतर हो जाती है। भयंकर रोगी तुरंत ठीक हो जाते हैं। जो लोग नाग माता की भक्ति श्रद्धा से पूजा करते हैं वो संपदा प्राप्त कर सर्व सुख से जीते हैं। इसलिए सब नाग माता को कलयुगी देवी मान पूजा कर रहे हैं स्वामी। नागेंद्र को कंठ में धारण करने वाले उस परम शिव की अवहेलना कर रहे हैं। एक सर्पिणी को कलयुग की देवी मान रहे हैं। हाँ स्वामी, नाग माता प्रत्यक्ष देवी है, करुणामयी है, ये लोगों का विश्वास है। आपकी बातें सच हैं? हाँ स्वामी। शंकर, बोले शंकर, परमेश्वर, करुणा सागर, केवल एक सर्पिणी के कारण देव श्रेष्ठ इस परम शिव की पूजा में रुकावट आ गई है। इस शंकर स्वामी के शरीर में प्राण रहने तक कैसा अधर्म नहीं होगा, नहीं होने दूंगा। क्या कर रही हो बेटी? कहानी पढ़ रही हूँ। किसकी कहानी पढ़ रही हो? शाम मेंढक की अनोखी कहानी। अच्छा, ये क्या बाल बिखरे हुए हैं? हरे रंग का नेकलेस पहनी हुई हो? ये मैच नहीं है बेटी, बाद में बदल लूंगी ना। लो तो सी लो। नहीं चाहिए,
पी लो ना मेरी लाडली बेटी, खाना नहीं चाहिए। पी लो ना। पी लो बेटा, पी लो। दुर्गा, तिजोरियों की चाबी तो देना मुझे। क्यों? गहने निकालने हैं। वो मेरी माँ के हैं, वो किसी को भी छूने नहीं दूंगी मैं। हाँ? दुर्गा, मैं तो पराई थोड़ी हूँ, तुम्हारी चाची हूँ। माँ समान? चाची होगी लेकिन तुम माँ तो नहीं हो। कहीं बदरिया माँ बन सकती है? दुर्गा, बड़ी है तुमसे, तमीज से बोलो। और क्या, मेरी माँ के गहने चाहिए इन्हें, किसी को भी नहीं दूंगी। सुन लिया उसकी बातों को? हर हाल में मार डालो उस बदतमीज को। जरूर, ये उदय सोच ले तो सब कुछ अस्त हो जाएगा। मेरी भक्तिन को कुछ लोग निर्दयता से सता रहे हैं। जिस तरह भक्तों की पूजा स्वीकारती हैं, उसी तरह उनकी पीड़ा भी सही हो। कुछ नहीं हुआ।
माँ, नाग माता। मुझे दूध नहीं दोगी? लो माँ। नागमाता कहाँ है? देख नहीं रही। ये देखो माँ, नागमाता। ऐसी पागलपन की हरकतें करके गुस्सा मत दिलाओ मुझे। तिजोरी की चाबी कहाँ है? नहीं तो माँ डालूंगी, दे दो। तुम कुछ नहीं कर सकोगी। उस नागमाता की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मुझे समझा रही हो तुम? जाकर चाबियाँ खोजो, वरना तुझे क्या करूँगी ये मैं खुद नहीं जानती। जाओ जाओ। माँ नागेश्वरी, क्या भूल हुई जिसकी सजा मिल रही है मुझे? बोलो माता, बोलो नागेश्वरी, बोलो माता, बोल माता। ए, तुझसे क्या कहा था मैंने? क्या कर रही इधर? तेरी भक्ति भंग हो तो मर जाए। इस मूर्ति को तोड़ूंगी तब तू रास्ते पर आएगी। मेरी नाग माता को कुछ ना। नाग माता, देख तुझे क्या करती हूँ। छोड़ इसे। नहीं छोड़ इसे। नहीं तोड़ूंगी तभी मारूंगी। माँ नाग माता, माँ, माँ नाग माता, माँ नाग माता। ये क्या हो गया? माँ नागमाता, माँ नागमाता, माँ नागमाता, माँ नागमाता। ये क्या जादू मंत्र है? ये किसने दिया तुमको? नागमाता ने दिया। ये किसी मंत्रवादी की मूर्ति है, इसे रखना उचित नहीं। इसे रखने से जायदाद नहीं फुटपाथ मिलेगी। जैसे लाई हो वैसे ही बाहर फेंक दो। ये मंत्र से बंधा हुआ है। ये मंत्रवादी का नहीं, ये देवी नागेश्वरी की मूर्ति है। नागेश्वरी, नागेश्वरी, इसे फेंकने से ही इसकी पीड़ा दूर हो सकती है। लाओ इधर, लाओ। नहीं, लाओ इधर, लाओ लाओ इधर। अरे गायब हो गई। कहाँ गया? ये कहाँ गया? कहाँ? नाग माँ। अरे ये क्या हुआ? नागमाता, मेरी अच्छी माँ। हाथ लगेंगी वो तिजोरी से रुपये और गहने चुरा लेगा। इसे ऐसी जगह छुपाना होगा जिसे कोई ना खोज सके। इन चाबियों को कहाँ छुपाऊं? हाँ, उस कुएं में डालना ही ठीक होगा। हाँ। दरवाजा खोलिए। आप लोग यहीं रुकिए। हाँ,
नागेश्वरी। स्वामी, आपके क्रोध का कारण? अनावश्य की तुम्हारी महिमाएं। स्वामी, आदि काल से मानव का जन्म मरण, धन भंडार, दुख सुख विधि लिखा अनुसार मिलता है, ये तुम नहीं जानती? जानती हूँ स्वामी। जानते हुए भी विधि को बदलने की कोशिश की है तुमने, विधि का तिरस्कार करती हो, लोगों के कष्ट को दूर करके उनकी इच्छाएं पूरी करती हो, ये देवद्रोह है, ये विधि का तिरस्कार है। नहीं, दीन दुखियों का साथ देने वाला ही सच में देव है, इसीलिए कहते हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। जैसे भक्तों की पूजा स्वीकारते हैं, वैसे ही कष्ट भी स्वीकारने। बंद कर अपना प्रवचन। छोटी मोटी इच्छाओं के लिए तुम्हें देवी मानकर लोग उस परमेश्वर को पिसार चुके हैं, शिवालय को भूल चुके हैं। आज शिवालय की जो दारुण परिस्थिति है, उसका मूल कारण तुम हो। नहीं स्वामी, नहीं। उस परमेश्वर के, उस नीलकंठ के पूजा पाठ का रुकने का कारण मैं नहीं हूँ। मैं विश्वास नहीं करूँगा और न ही क्षमा करूँगा। मेरा अपराध है, मुझे इतना कठिन दंड देना आपको शोभा नहीं देता। मैंने तीन दुखियों की सहायता की है, लेकिन वो परम शिव की अवहेलना करेंगे ये मैंने नहीं सोचा था। मुझे क्षमा करके कुछ बताया कीजिए। मेरा संकल्प अटल है स्वामी। महाशिवरात्रि के दिन तुम्हें अपना असली रूप मिले, उस महाशिव की करुणा से तुम्हें सारी शक्तियाँ पुनः प्राप्त होंगी, तब तक तुम शिला रूप में ही रहोगी। Thank you.
लक्ष्मी जगत तक्षणी विश्व रूपिणी विश्व कामिनी विश्व मोहिनी विश्व दामिनी शोभितलिङ्गम् जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गम् कामदहनकरुणाकरलिङ्गम् रावणदर्पविनाशकलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गम् बुद्धिविमर्दनकारणलिङ्गम् सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् कनकमहामणिभूषितलिङ्गम् फणिपतिवेष्टित शोभितलिङ्गम् दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् निकल जाते हैं।
चलो। संभल के, अरे गिरना नहीं। ब्रह्मा, टाइम बहुत हुआ, वकील आए नहीं। कहीं ट्रैफिक में फंस गया होगा इसलिए आया नहीं। इन वकीलों से यही मुसीबत है, कभी टाइम पर नहीं आते, इसलिए मैंने लाना ही पड़ी ना। चुप ही रहो। नमस्कार। नमस्ते। आइए लायर महोदय, आप ही की राह देख रहे थे। डॉक्यूमेंट तैयार है। ये लो डॉक्यूमेंट। उदय, मैं समझ नहीं पाया तुम्हारा मास्टर प्लान। शुरू में भाई भाभी को मरवाया, सांपों को दूर करवा कर दुर्गा को ऊपर भेज दिया, अब ये सारी दौलत तुम्हारे कब्जे में हो गई। शुक्रिया, शुक्रिया। वकील साहब, कंग्रेचुलेशन सिने नहीं मुझे कहिए। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स कैसे? दुर्गा, तुम जिंदा हो, तुम मरी नहीं। मेरा मरना भ्रम है, तुम्हारा ऐसा सोचना भ्रम है। भ्रम को सच समझना तुम्हारा दुर्भाग्य है। क्या है ये? लगता है मुर्दा उठ कर आ गया। अरे बाबा, मुझे यहाँ बहुत से काम है, उन्हें निभाने आई हूँ। चली गई, चली गई। कैसी माया हो रही है, अपने हाथों से दुर्गा को दफना के आए थे हम। अरे ज्वालामुखी, अरे क्या हो गया? अरे बरो, चलो चलो चलो। चक्कर हाकिम है क्या? अरे कमर उखाड़ कर उड़ गई क्या? ये लीजिए। अबे हाँ दादा, अपनी डार्लिंग को मैं परोसूंगा। अजी बस भी करो। ए, तुम्हें परोसे रे। ये लीजिए मालकिन। मालकिन ने कह दिया ना, अब मैं ही परोसूंगा, समझे? आपको चाहिए तो आप भी ले लो, ये लो। अरे दादा, इनका हुक्म अब सबको मानना पड़ता है। ये लो। भी परोसी है ना? हाँ, तेरे आते ही खाना देने के लिए यहाँ तुम्हारे कोई नौकर नहीं है। हमारे खाने के बाद बचे तो तू खा लेना। ऐसे क्या दिख रही है, कहा ना तुमसे, चल भाग। Thank you.
रूप में नागेश्वरी है। मैरव यानी दुर्गा सचमुच मर गई क्या? नहीं। क्या? दुर्गा नागेश्वरी के आश्रम में कुशल पूर्वक है। फिर हमने किसे दफनाया था? नाग देवी के माया रूप को। उधर देखो क्या हुआ था। जय काली। का प्रतिकार है, आज तो पौर्णमी है, उस दुर्गा को बंद करूंगा। नागेश्वरी दुर्गा को ढूंढते हुए यहाँ आएगी, तब उस नागेश्वरी की हत्या करना बहुत सरल होगा। दुर्गा के गले पर कृष्ण चरण का चिन्ह है, काली माता को उसकी बलि देकर मैं सदा के लिए अमर हो जाऊंगा। जय महाशूलिनी नमः। जय महाशूलिनी नमः। जय महाशूलिनी नमः। समझ
कुछ है ऐसा समझना पाप है, ऐसा समझना पाप है। मानव से भरे समाज में स्त्री शमशान बन के रहती, इस तरह बलि बनती है नेत्र बंद किए तो सब सहती। पंचभूत भी भूचाल हो गया ऐसा दुर्व्यवहार देख के, नेत्र बंद की अंध समाज उत्तर ना दे सका कभी। सृष्टि का आधार ये पूजा के योग जगदम्बा, नित्रष्टि नहीं बालवा, चुप क्यों हो तुम बोलो नमा। नील नभ के तल दसो दिशाए कापू की, स्त्री का जन्म तुच्छ है ऐसा समझना पाप है, ऐसा समझना पाप है। ओ नील नभ के तल दसो दिशाए कापू की, स्त्री का जन्म तुच्छ है ऐसा समझना पाप है, ऐसा समझना पाप है। चांडाल भैरव, दुर्गा को बंदी क्यों बनाया? भोले भालों को सताने वाली, तुझे दंड देने के लिए। ये भोले भाले नहीं है, संपत्ति के लिए अपने ही लोगों की हत्या की, इसीलिए मैं इन लोगों को दंड दूंगी। जाओ, तेरी चाल यहाँ नहीं चलेगी। दुर्जनों के साथ देने वाले दुष्ट, तुझे छोड़ना मेरी शक्ति का अपमान है। तुझे तो thank you.
हमने अनेकों पाप किए जो था उसे संतोष न करके अधिक की लालच की। किए हुए पाप के कारण हम तुम्हारे सामने सर झुकाते हैं, हमें क्षमा कर दो बेटी। दुर्गा बेटी हमारी जान बचा लो बेटी। माँ, ये लोग अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, इन्हें क्षमा कर दो, इन पर कृपा दिखाओ माँ, ज्ञान का प्रसाद दो माँ। हाँ माँ। अच्छा देखो, माँ इस नश्वर धन के लिए मेरे माता पिता मारे गए, ये संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। जीवन भर तुम्हारी सेवा करते हुए तुम में लीन हो जाऊंगी, मुझे हमेशा तुम्हारा आशीष चाहिए। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इस लोक में भक्ति का प्रचार करने के लिए तुमने जन्म लिया है, स्त्री जाति का उद्धार करोगी। स्त्री इच्छा, धन इच्छा, भूमि इच्छा पाप के प्रथम कारण है, पतन के मूल कारण है। धरती पर मानव बनकर जन्म लेना ही अद्भुत कार्य है। आप सब लोग सर्व मानव को, सर्व धर्म को एक समान जब समझेंगे तब मेरे कृपा के पात्र बनेंगे। जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से दूसरे को प्रेम करेगा वही मेरा सच्चा भक्त होगा। मेरा आशय लेने वाले की, मुझसे शरण मांगने वाले की निरंतर रक्षा करना ही मेरा धर्म है। सर्वे जनो सुखनो भवन्तु।